जम्मू कश्मीर पुलवामा जिले में गुरुवार की शाम एक बड़े आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए, जिससे पूरे देश में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तानी सेवकों की टोली ने अपने गुस्से को दिखाते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ अंधेरी पूर्व स्थित सागी नागा रोड पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का पुतला जलाया, जिसका नेतृत्व संजीव झा कर रहे थे। क्या कुछ कहना था संजीव झा का, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट। पीएम मोदी से मेरा एक ही गुजारिश है, जो 70 साल हो गया ये आतंकवाद की बीमारी चालू हुए, कि आजकल कैंसर का भी इलाज आ गया, ब्लड कैंसर हो जाता था, लोग हफ्ते में जाते हैं उसको क्या करते भाई, ओ मशीन पे जाके क्या करते उसको ब्लड फिल्टर करवाते, उसको क्या बोलते भाई इंग्लिश में, डायलिसिस करवाते, डायलिसिस। और ये 70 साल हो गया ये आतंकवाद की बीमारी को, अभी तक जो है सो इसका निराकरण सरकार ने नहीं निकाला है, ये गलत है। चलो पहले की सरकार हिजरी थी, लेकिन अभी की सरकार के पास तो 56 इंच का सीना है। हमको सेकेंड सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, ये देश के अंदर जो गद्दार लोग बैठे हैं, जिनकी गद्दारी के कारण बाहर के दुश्मनों को मौका मिलता है इंडिया में आतंकवाद फैलाने का, मेरा मानना है जो सरकार सबसे पहले उसको खत्म करे, और सरकार कानून के हिसाब से खत्म करे। और हम हिंदुस्तान के समाज से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो आपके आजू बाजू में जितने भी आतंकवादी माइंड के लोग हैं, देशद्रोही हैं, जो खुलेआम हमारे देश में रह के यहाँ के नमक खा के यहाँ के हवे में सांस लेने के बाद वो एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में बोलते भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मैं मोदी को कहना चाहता हूँ जो पहले ऐसे लोगों की टुकड़े टुकड़े करो, ताकि बाहर बैठे आतंकवाद के बाप को सबक मिले। इसके अलावा जो है भी सारा ये किया है, फेसबुक वायरल किया है, ट्विटर, सब जगह हम लोगों ने ऐसा कैंपेन चलाया है, जो हर एक आदमी जो भी उनकी इनकम है वो सेना के अकाउंट में डाले, हम लोगों से जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिए मदद करेंगे। और यही आग्रह मैं इंडिया के सभी लोगों से करता हूं, जो अपने खून पसीने की कमाई हमारे सेना के लिए थोड़ा दान में दें, ताकि उनका भी हौसला बढ़े, जो हम अगर देश में शहीद भी हो गए तो हमारे पीछे हमारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगा। अमर रहे, अमर रहे।